दुकान में घुसकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। सिहारा स्थानीय पीर के बाजार में स्थित सलीम नामक एक व्यापारी की बुरे बताशों की दुकान से बीती रात अज्ञात चोरों ने घुसकर गल्ले में रखी 15 से 20 हजार की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब सलीम दुकान पर गया तो उसको घटना का पता चला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। साथ ही व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा ने भी घटना स्थल का जायजा लिया, साथ ही थानाध्यक्ष से मिलकर चोरी की घटना के खुलासे की मांग की। क्या नाम है आपका? मैं सभी भी भी। क्या मामला है भैया? रात दुकान में 5 बजे दुकान में रात 12 के बाद में चोरी हुई। अच्छा, क्या क्या गया भाई? 17-18 हजार रुपए रखे थे, वो चोरी हुई है। पीछे से रास्ता पर घर से आके वो। आपको कब पता चला? जब सुबह 8 बजे दुकान खोली, जब आपको पता चला। आपने इसकी सूचना थाने दी थी? जी, थाना अध्यक्ष साहब को सूचना दी। हमारा पूरा व्यापार मंडल लोग साथ गए थे, उन्होंने व्यापार मंडल की तरफ से हमने सूचना दी। बाजार में क्या मामला सर? ये हमारे एक व्यापारी है सलीम, उनकी दुकान में पीछे इनके एक धुआं बनाने का एक रास्ता खोल रखा हुआ। उस रास्ते से हमारे व्यापारी की दुकान में कोई अज्ञात आदमी आ गया है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई छोटा बच्चा ही है। वो छेद में उबड़ करके और उनके यहाँ जो 15 से 18 हजार के लगभग का गल्ला रखा था, जो रोजाना हमारा व्यापारी अपनी दुकान पर छोड़ के जाता है, वो उसमें निकाल के ले गया। माननीय थाना अध्यक्ष जी से महोदय, वैसे तो बहुत तेज तर्रार हैं हमारे वो, और हमें उम्मीद भी है कि वो इस चोरी को भी जरूर खोल।